मायसेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। ऑल दो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बी टेक स्टूडेंट्स, बट दिस इज द सब्जेक्ट मेड फॉर डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एज ए सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल काफ़ी काफ़ी अलग होता है। जब आप एज ए सिविल इंजीनियर जब आप काम करने जाएंगे साइट पे, तो वो फील्ड काफ़ी अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, कि आखिर फील्ड पे सिविल इंजीनियरिंग का काम कैसे होता है, क्या करना होता है, कैसे कैसे काम एग्जीक्यूट होते हैं फील्ड पे, है ना। तो इस सब्जेक्ट इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में और आगे के वीडियो में भी मैं जो बात करूंगा वो पूरे के पूरे सिलेबस से, जो झारखंड और बिहार के बच्चों के जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। उससे आपको इसके पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट जो है 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सो उसमें से पहला यूनिट जो है वो है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन PWD। प्रोसीजर ऑफ वर्क्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय PWD। तो एक्चुअली जो पहला यूनिट है आज हम उस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय PWD। तो PWD के बारे में यहाँ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप PWD के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसके काम के बारे में कैसे जानेंगे कि वो कैसे काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं कि PWD होता क्या है। तो आप लोग फुल फॉर्म इसका सुने होंगे, PWD मतलब होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD जो है वो पब्लिक के नीड्स जो होते हैं, पब्लिक के जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक डिपार्टमेंट है, जो हर तरह के पब्लिक के नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। उस डिपार्टमेंट को वो काम प्रोवाइड करते हैं, उस काम पे वो नज़र रखते हैं कि वो काम किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और उसी काम को कराने के दौरान उससे रिवेन्यू जनरेट करते हैं जो कि गवर्नमेंट को एज ए रिवेन्यू मिलता है। सो PWD का काम आपको समझ में आया। PWD का काम क्या है? पब्लिक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। अब ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। डिपार्टमेंट बनाना और उस डिपार्टमेंट को चलाना और उससे रिवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को देना। अब हम बात करेंगे कि ये डिपार्टमेंट है क्या। जैसे पब्लिक के ज़रूरतों के लिए डिपार्टमेंट क्या है, जैसे NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या है आपका रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो किसके लिए है, पब्लिक के लिए है। उसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। फिर जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात किए हम, उसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो किसके लिए बनाए गए। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है आपका, है ना, वाटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो इस टाइप से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं किसके लिए, आपकी नीड को कंप्लीट करने के लिए, जो पब्लिक की नीड को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको जो ऑपरेट करता है, जो इस काम करवाता है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट से, और उस पर ध्यान रखता है कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, साथ में उससे रिवेन्यू जनरेट करता है, और उस रिवेन्यू को किसको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है। तो इसको ही, उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, PWD बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि PWD क्या है। अब हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा देखते हैं कि PWD है क्या। तो आप लोग यहाँ से लैंग्वेज देख सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस भी किए अभी। सो दिस इज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज अ प्रीमियर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इंगेज्ड इन
प्लानिंग, इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, फील्ड ऑफ बिल्डिंग एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये क्या है, एक प्रीमियम एजेंसी है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब जो हमारा जो भी गवर्नमेंट हमारा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट होगा, वो होगा, ठीक है, वो क्या करता है, इसको चलाता है, क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, डिजाइनिंग होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद मेंटेनेंस होगा, गवर्नमेंट एसेट इन द फील्ड। तो हम लोग क्या बात की, वही बात की है कि ये क्या करेगा, प्लान करेगा, उसके बाद उसको डिजाइन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, मेंटेनेंस उसका रखेगा ध्यान, मतलब कि काम करवाएगा, और फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट को एज एसेट क्या करेगा, मतलब रिवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ये सारे काम कौन करता है, PWD करते हैं। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग बात करते हैं कि एसेट इज बिल्ड, यहाँ आप देख सकते हैं, एसेट इन बिल्ट एनवायरमेंट इंक्लूड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, पुलिस बिल्डिंग, प्रिजनर कोर्ट एक्सेट्रा। एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूड द रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, फुटपाथ, सबवे एक्सेट्रा। अभी हम लोग जैसा कि बताए थे कि PWD करता क्या है, PWD क्या करता है, PWD आपके जरूरतों के काम को करता है, क्या करता है, आपके जरूरत को काम को कंप्लीट करता है। तो आपका जरूरत का काम क्या है, हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, पुलिस है, बिल्डिंग्स होंगे, प्रिजनर कोर्ट होंगे, है ना, ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, फुटपाथ, सबवे। तो अभी हम लोग वही बोले थे, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और फील्ड आर क्रिएटेड बाय द PWD। PWD के द्वारा क्या किया जाता है कि ये सारे जो है काम किए जाते हैं किसके लिए, पब्लिक्स के लिए, ठीक है। अब जो है ये तो बना लिया, तो इसको साथ में क्या है, बिसाइड्स डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं आप लोग, बिसाइड्स डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क, दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो डील द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू टियर रिस्पेक्टिव वर्क्स। वही बात हम क्या बोले थे, PWD क्या करता है, PWD आपको पहले डिपार्टमेंट बनाएगा, जो आपके जरूरतों के डिपार्टमेंट है, उसके बाद क्या करेगा, वो उस डिपार्टमेंट को क्या करेगा, चलाएगा, है ना, उस डिपार्टमेंट को चलाएगा, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन करेगा, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करेगा, उस कंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसको मेंटेनेंस करेगा, उसका जो भी रिपेयर करना होगा वो करेगा, और उसके बाद उससे रिवेन्यू जो होगा वो भी क्या करता है, जनरेट करता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द PWD, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय PWD। आखिर क्या प्रोसीजर है वर्क PWD में काम को एग्जीक्यूट करने का, क्या प्रोसीजर है, तो काम को प्रोसीजर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। कि इसका प्रोसीजर में पहला तो हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो काम है, जो एक्चुअली जो भी आपसे काम करवाता है PWD, जैसे कि आपके लिए कर रहा है, पब्लिक के लिए ही कर रहा है, बट पब्लिक को कर तो रहा है पब्लिक के लिए, लेकिन आपको उससे आपको कुछ ले भी रहा है। कैसे ले रहा है, तो आपसे हर चीज़ में टैक्स लेता है। सपोज आपको एक बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग का टैक्स लेगा, सपोज आपको रोड बनाया तो उसमें टोल टैक्स लेता है ना, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आपको पे करना पड़ता है, वाटर बिल भी पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा, पब्लिक बॉडीज को जो दी जा रही है, वो आपसे पैसा भी ले रहा है। तो ये जो काम होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ये काम क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें फंड किसका यूटिलाइज है, आपका, पब्लिक का फंड यूटिलाइज है, इसलिए इसमें इसके रूल रेगुलेशन क्या जो होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में, कि इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो इस पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, द गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक बॉडीज, द जनरल प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ वर्क आर रिजिड, क्या होता है, रिजिड होता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है,
बिकॉज दे इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, जो हम लोग अभी बात किए। क्या बात किए कि इसमें जो फंड है, आपको हर चीज़ के लिए पे कर रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रहे हैं, आप वाटर बिल के लिए पे कर रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स दे रहे हैं, घर आपका है तो ज़मीन का आपको टैक्स देना पड़ता है, आप अगर कहीं पे रेंट रूम ले रहे हैं तो आपको रेंट पे करना होता है ना, आप अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको फेयर देना पड़ता है, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपका पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा लग रहा है, तो जो रूल रेगुलेशन होता है इसमें, वो जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क का जो रूल रेगुलेशन होता है वो काफ़ी टाइट होता है। क्या होता है? काफ़ी टाइट होता है। तो हम चलते हैं फिर से दूसरे पैराग्राफ की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरा पैराग्राफ जो बोल रहा है कि जस्ट कंपेरिजन किया पब्लिक और प्राइवेट फॉर्म में, जैसे कि पब्लिक का है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा। बट अगर हम बोले कि कॉमर्शियल मेथड में, कॉमर्शियल मेथड जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगा तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल फंड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि द कॉमर्शियल मेथड आर मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउ टू यूज द डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ फंड इन्वॉल्व द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली एक्चुअली क्या है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज है तो उसमें क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो क्या कर सकता है, कहीं पे आपको छूट भी दे सकता है, कहीं नहीं भी दे सकता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होगी। लेकिन रूल रेगुलेशन भी ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, जैसे कि अगर उसको अभी ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो थोड़ा रूल में क्या कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी ला दिया। बट जो पब्लिक का फंड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इसमें उसके बाद क्या होता है, पहले तो हम लोग इसमें जो प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन में इसमें हम लोग दो चीजें बात की हैं। एक बात की है कि पब्लिक का फंड है तो रिस्ट्रिक्शन काफी होता है, रिजिड होता है, कोई भी डिसीजन जो लेते हैं रूल रेगुलेशन काफी टाइट किया जाता है। उस सिमिलरली अगर ये प्राइवेट फॉर्म होता है या प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए हम बात करें तो वहाँ पे कॉमर्शियली जो होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो पर्सनली किसी एक पर्सन का है। लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो होता है वो एक पूरे पब्लिक के लिए, पूरे गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका रूल रेगुलेशन काफ़ी क्या होता है, टाइट होता है। इसमें जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं पब्लिक वर्क्स का, पब्लिक का जो भी काम है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेनेंस करना। तो स्टेट गवर्नमेंट एज फॉर्म वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है ना, जैसे कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपका क्या है कि हम लोग देखते हैं। तो ये था आपका एनवायरमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। तो ये था ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो इसमें दो सेटअप हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप। तो ये दोनों सेटअप क्या हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी, जिसमें कि पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब क्या होता है कि कौन किसके ऊपर काम करता है, कौन उसके ऊपर काम करता है, कौन उसके नीचे काम करता है, कौन है जो उसके वर्क का रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसके कौन किसके बात को फॉलो करेगा, उसी का सेटअप है। तो एक्चुअली पीडब्ल्यूडी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है उसमें सबसे ऊपर कौन है, गवर्नमेंट, सबसे ऊपर कौन है, गवर्नमेंट, जिनकी भी सरकार है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो ये गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके नीचे कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट मतलब जैसे कि अलग अलग, जैसे एमपी होते हैं, जो एमपी होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि जो विधायक हो गए या फिर मंत्री हो गए, वो सब जो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हो गए। उनके नीचे आते हैं चीफ इंजीनियर, कौन आते हैं, चीफ इंजीनियर आते हैं। उसके बाद कौन आता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर, फिर लास्टली कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स
और सुपरवाइजर के नीचे क्या आता है, लेबर। लेबर में कैटेगरी है, कुछ लेबर स्किल लेबर होते हैं, कुछ सेमी स्किल होते हैं, कुछ अनस्किल लेबल्स होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट हो गया, उसके अंडर में विधायक या मंत्री लोग काम करते हैं, वो क्या करेंगे, चीफ इंजीनियर को बुलाएंगे, बोलेंगे कि आप PWD संभाल रहे हैं तो आप कुछ पब्लिक के लिए काम कीजिए। तो चीफ इंजीनियर काम डिसाइड करने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बुलाएगा कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे पब्लिक को भी फायदा हो और गवर्नमेंट को भी फायदा हो। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलेगा कि हाँ ऐसा हम सोचे हैं, आप ऐसा काम को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को बोलेगा कि हाँ आप ऐसा काम करवाइए। असिस्टेंट इंजीनियर फिर क्या करेगा, जूनियर इंजीनियर को काम देगा कि आपको ये काम कराना है। जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर को बोल के और सुपरवाइजर अपने लेबर को बोलकर किसी काम को एग्जीक्यूट करता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो ये जान लीजिए कि सारा काम आप ही को करना है। किसको करना है, आप ही को करना है। इसमें जो फील्ड पे जो काम होते हैं वो सारे जेई करते हैं। MBA एक नाम सुने होंगे आप लोग, मेजरमेंट बुक बोलते हैं, जो कि एस्टिमेशन का एक बुक होता है, जिसके थ्रू ही फंड का ट्रांसफर, मतलब लेन देन बोल सकते हैं कि पैसा का जो लेन देन होता है कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच, वो उसी MBA के थ्रू होता है। ये भी MBA वही बनाते हैं। फील्ड पे जो साइट पे देखने जाएंगे, हाँ AE भी आते हैं कभी कभी, बस वो कभी कभी आएंगे। पूरा का पूरा जो काम होता है वो आप ही को संभालना है। इसी लिहाज से हम बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए JEE जूनियर इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जितना भी काम करेंगे आप लोग, उतना ही आपको, जितना पढ़ेंगे उतना ही आप लोग जानेंगे कि आपका फील्ड में आपको काम क्या है। तो इतना तो जान लीजिए कि जो भी काम करना है वो JEE को करना है। ऊपर वाले बस केवल वो उनको बात करेंगे, वो उनसे बात करेंगे, वो उनसे, जैसे कि आप असिस्टेंट इंजीनियर आपसे पूछेगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव से, चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो इस तरीके से जो काम है आपको जाके साइट पे करना तो नहीं, लेकिन बार बार आपको फील्ड पे जाके देखना होगा, तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का काम बढ़ जाता है। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन वर्क सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन वर्क सेटअप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क सेटअप मतलब कि तीन चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक है प्रोजेक्ट, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। क्या है, प्रोजेक्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, काम क्या है, एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तीन, एक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स, लेबर, मटेरियल लेके बनाएगा और लेबर को कौन देखेगा, लेबर को काम करता कौन देखेगा, ओवरहेड। ओवरहेड में कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग अभी अभी पढ़े, जैसे कि चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, मटेरियल। तो अब मटेरियल में, मटेरियल जो होता है उसका सेटअप दो तरीके से है, या तो मटेरियल कौन सप्लाई करेगा, बाय द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि या मटेरियल के सप्लाई में ही हम लोग बात करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर सकता है, या तो कौन सप्लाई करेगा, डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा। तो ये था हमारा सब मटेरियल। उसके बाद अगर हम लेबर की बात करें, तो लेबर जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक लेबर जो किसके द्वारा एंगेज किया जाएगा, वो किसके द्वारा एंगेज किया जाएगा, वो आपका एंगेज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और दूसरा कौन करेगा, एंगेज बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये था आपका लेबर का, ठीक है। उसी तरह एंगेज बाय द डिपार्टमेंट, उसमें है वर्क चार्ज, चार्ज स्टाफ एंड मास्टर लेबर, कैजुअल लेबर। वर्क चार्ज स्टाफ क्या होता है कि जैसे आपको परमानेंट स्टाफ रखे हुए हैं, आपको हर बार काम के लिए उसको चार्ज दे रहे हैं, और एक है मास्टर रोल पे, जो जितने दिन, मास्टर रोल जो होता है, मास्टर रोल जो है एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मास्टर रोल जो है ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो मास्टर रोल मतलब क्या होता है कि अगर आपको मतलब कि ये एक लेबर अटेंडेंस रजिस्टर बोल सकते हैं, जिसमें कि लेबर को पेमेंट दिया जाता है, जैसे जैसे वो, जैसे सपोज एक दिन आप प्रेजेंट हुए तो एक दिन का वेज आपको 100 रुपया है, आप महीने में 10 दिन आते हैं तो 10 × 100 आपको 1000 रुपया महीने का मिलेगा। तो वो एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इसको मास्टर रोल बोलते हैं, ठीक है। मास्टर रोल लेबर और कैजुअल लेबर, मतलब इसका मतलब है कि आप जिस दिन आएंगे उसी दिन का पैसा मिलेगा, तो उस टाइप के लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअल लेबर बोलते हैं। फिर यहाँ पे ओवरहेड्स में अभी हम बात किए थे, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर,
असिस्टेंट इंजीनियर जेई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग टीओ लिखे हैं, इसको डिविजनल ऑफिसर भी बोलते हैं, और एई को एसडीओ मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर भी बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स से प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन पीडब्ल्यूडी का फर्स्ट पार्ट। इसके दो पार्ट और हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो आज यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।